हाय गाइस नमस्कार। सो मैं येदु थापा ऑन द व्हील्स, स्वागत है मेरे चैनल में। सो आज मैं एक गेस्ट को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ न्यू बोगईगांव रेलवे स्टेशन में। तकरीबन 4 घंटे की जर्नी है। सो मैं एकदम छोटा सा ये रूट पकड़ लिया हूँ। यह है आपका चिसापानी आनंदा बाजार का रास्ता। तो ये रास्ता से मैं आज जा रहा हूँ। आप लोगों को हाईवे पहुँचने तक का मैं ये शॉर्टेस्ट रूट का जो रास्ता है गाइडेंस है मैं आपको करता रहूँगा। आप मुझे फॉलो करते रहिए। तो फिलहाल मैं अभी चिसापानी आनंदा बाजार के रोड में हूँ। बीच बीच में रास्ता इतना ठीक नहीं है, पर मोस्टली 90% रास्ता तो ठीक ही है। तो अभी सुबह का 5 बज चुका है। मैंने घर से 4:45 को स्टार्ट किया था, अभी 15 मिनट हो चुका है। गाँव के रास्ते में इसी तरह बकरे गाय भैंस मिलते रहेंगे, आपको सावधानी से चलाना होता है। ये है आनंद बाजार गांव के बस सर्विस गुवाहाटी के लिए। तो देखिए ये सुबह का नजारा, क्या सुंदर सा नजारा है। देखिए ये देखिए सनराइज, अपने आंखों से देखिए। ये आनंद बाजार है। तो यहाँ से थोड़ा आगे, यहाँ से इस तरफ में एक रास्ता है राइट में, तो हमें राइट पे लेना होता है। यहाँ से ऐसे करके राइट में लेना होता है। तो चलते रहिए। एक रास्ता है जो तामलपुर से आता है, तो उसी रोड पे हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें राइट लेना है तो हम आ चुके पगला दिया ब्रिज के ऊपर। ये नदी का नाम भी पगला दिया है। ये जो है ब्रिज, ये पुराना वाला ब्रिज है। तो ये वाला है नया वाला ब्रिज है। ये है नया ब्रिज, तो इसी साल को इनॉग्रेट हुआ है। और ये थोड़ा सा रास्ता उबड़ खाबड़ है। तो ये वाला रास्ता तो बन चुका था आगे में, लेकिन ये फ्लड की वजह से ये इस रास्ता को उड़ा दिया है। तो देखिए ये वाला रास्ता, इसका ऊपर वाला भाग। कहीं कहीं ऐसा ही है रास्ता, लेकिन कोई बात नहीं। 30-40 किलोमीटर शॉर्ट हो जाता है। देखिए सुबह सुबह वे लोग फिशिंग कर रहे हैं। ये जो गुड़िया है ट्यूशन को जा रहा था होगा, वो भी जो फिशिंग का मजा ले रही है। यस ये नेचुरल तालाब है। तो देखिए ये फिश आया कि नहीं। तो एक ये आ गया है, ये क्या क्रैब। हाँ पकड़ लिया, ये क्रैब है। जो कुछ है छोड़ना नहीं है। हाँ एक फिश भी है, एक छोटा सा फिश, छोटा सा फिश। तो दिस इज local fish tora mas, they call tora mas. We have got here a prawn also. Nisila mas to dekha jachhi, nisila mas ase na, nisila mas upar dekha jachhi na. Eto nisila, nisila, nisila. These are fish and this one is prawn. This one is prawn. Ye prawn hai, ye bhi prawn hai niche wala. Aur ek dekha tha maine, theek hai, acha theek hai. Are eta lamba asilo kiba ase na, lamba eta.
It will be done. It will be done. So, crab भी है. एक crab है. इतु भाव के देखा जाए फुल मत. ऊपर अट्टे डाल दिए. हाँ. This one is crab. So you see. Lobster, prawn. अच्छा ठीक है सर. अच्छा ते आऊँ. कंट्रीमैन ये अभी मतलब ये चीज इतु क्यों है बोलते तू फन ना. सो दिस इज अ ट्रैप दे कॉल दिस इज अ ट्रैप. एंड ट्रैप किस किसके लिए की और कारण है फन इंदुर कारण है. सो दिस इज अ ट्रैप फॉर द रैट्स. ये मतलब चूहा के लिए ये मतलब ट्रैप है. तो धान खेती में जो चूहा बर्बाद करते हैं इसके लिए एक ट्रैप लगाते हैं. तो वो लोग खाते भी हैं चूहा को. और किलो का बहुत एक्सपेंसिव है ये चूहा है ना. कितना की मना से 300 रुपया किलो का 300 रुपया. ओ बाप रे मानना पड़ेगा. अच्छा थैंक यू धन्यवाद दे. सो ये है ट्रैप. तो ये ब्रिज टूट चुका है फ्लड के वजह से. तो धीरे धीरे निकलना है यहाँ से. सो हम लोग ये रास्ता पे निकल गया. यहाँ से जो ब्लॉक का रास्ता है ये खत्म होता है. तो यहाँ से सीधा जाने से नलबाड़ी मिलता है धमधमा ओके नलबाड़ी. सो हमें यू टर्न लेना होता है. यू टर्न लेके बस चलते रहे सीधा. लेफ्ट लेंगे यहाँ से लेफ्ट लेंगे. तो ये गांव है हाकटा. इस गांव को हाकटा कहते हैं. तो हमने लेफ्ट मोड़ लिया. अब सीधा सीधी जाते रहना है. OMG वाला नज़ारा है. लेफ्ट एंड राइट में सब पेडी प्लांटेशन धान का खेती लगाया हुआ है. देखिए बहुत सुंदर है. तो देखिए ये जो है रास्ता के बीचों बीच ये बाजार है. आसामीस में लिखा हुआ है बारीमाखा. ओ तो ये जगह का नाम है बारीमाखा. सो ये बारीमाखा है. तो थोड़ी आगे जाके लेफ्ट लेना है बर्मा के. और ये बर्मा हाईवे है. तो लेफ्ट लेके हम लोग सीधा चलेंगे बर्मा के तरफ. इस गांव को डोंगपार कहते हैं. सब डिवीजन ऑफिस है बारीमाखा है. अभी क्या करूं इसका रास्ता के ये जो रहा है ये सीधे सीधे आ रहा है. ये कहां पर जा रहा है देखो 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 देखो. ये है ले सकता हूँ कोई वही थिएटर का उसी नाटक का उसी नाटक. ब्रिज हो चुका है नदी में तो कोई अभी प्रॉब्लम नहीं आसान हुआ है. तो ये वाला है हमारा ओवर ब्रिज. ये है बर्मा का ओवर ब्रिज. तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से अंदर से ढुकेंगे. तो यहाँ से राइट लेंगे. तो सिग्नल दिखाई दे रहा है लेफ्ट लेना मना है. तो यहाँ से राइट लेंगे. जी भाई राइट ही लेंगे. खत्म होने के साथ साथ हमारे ये रास्ता इंटरसेक्ट होता है मिल लेता है. तो अभी हम पहुँच गए हैं बर्मा. और ये है हाईवे नेशनल हाईवे. और ये हमारे साइड से चल रही है ई रिक्शा. ई रिक्शा में भर भर के ये जूट का प्लांट लेके जा रहा है. ये जूट से रस्सी और बस्ता बनता है. सो द सैक एंड द रोप आर मेड आउट ऑफ दिस जूट प्लांट.
और तो मैं बोगईगांव टाउन पहुंच चुका हूं। थोड़ी आगे रेलवे स्टेशन है, वहां से मुझे गेस्ट को पिकअप करना है, तो मैंने गेस्ट को पिकअप कर लिया, तो अभी मैं वापस जा रहा हूं। ट्रेन स्टेशन पे क्रॉसिंग के लिए मुझे तकरीबन 45 मिनट वेट करना पड़ा। तो ये बोगईगांव रेलवे स्टेशन से हम 9:51 पे फिर वापस हुआ, तो हम तकरीबन 2 बजे पहुंच चुके थे भूटान गेट। तो इसी तरह आज के ये हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस तरह हमारे साथ जुड़े रहें, फिर मिलेंगे और वीडियो के साथ। बाय बाय, see you soon.